पर मेडल को प्रवाहित करने पहुंचे हैं रेसलर्स। तो बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां रेसलर्स का जमावड़ा इस वक्त गंगा घाट पर है। मेडल प्रवाहित करने के लिए रेसलर्स वहां पर मौजूद हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों का मोर्चा देखने को मिल रहा है। ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज है रेसलर। तो इसी बीच खेल मंत्रालय की तरफ से भी बयान सामने आया है और कहा है कि ये मेडल सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, देश का है। पहलवानों से बातचीत कर रहे हैं नरेश टिकैत। तो ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं होने से रेसलर्स में नाराजगी है और बताया जा रहा है नरेश टिकैत पहलवानों को मनाने के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरें भी आपने देखी किस तरह से गंगा घाट पर हरिद्वार में प्रदर्शनकारी रेसलर्स की मौजूदगी है। उनके साथियों के द्वारा ह्यूमन चेन बनाया गया था और बीच में रेसलर्स मौजूद थे। लेकिन देखिए इसी बीच तस्वीर, पहलवानों के पदक अकेले नहीं है, देश के हैं, ये खेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। पहलवानों की शिकायत की जांच की जा रही है, ये खेल मंत्रालय का। और देखिए इसी बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि नरेश टिकैत जो उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, खिलाड़ियों ने उन्हें मेडल सौंप दिया है। तो हरिद्वार से खबर और तस्वीर, प्रदर्शनकारी रेसलर्स का जमावड़ा गंगा घाट पर, मेडल प्रवाहित करने पहुंचे थे। लेकिन ये जानकारी सामने आ रही है कि नेता नरेश टिकैत जब उनसे मिलने के लिए पहुंचे, बातचीत करने के लिए पहुंचे, तो ये जानकारी सामने आ रही है कि मेडल जो है वो पहलवान मेडल नरेश टिकैत को सौंप चुके हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और ये रेसलर्स वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग पहलवानों की है और ये कार्रवाई नहीं होने की वजह से देखिए किस तरह से जो प्रदर्शनकारी पहलवान हैं वो हरिद्वार में पहुंचे, मेडल को प्रवाहित करने की बात करते हुए नजर आए। और खेल मंत्रालय का भी इस बीच बयान सामने आया कि मेडल सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, देश का है और पहलवानों की शिकायत की जांच की जा रही है, ये खेल मंत्रालय की तरफ से किया गया है, कहा गया है। और इसी बीच देखिए ये तस्वीर किस तरह से ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है हरिद्वार से। ये दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए किस तरह से अब जो रेसलर्स है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच नरेश टिकैत जो है वो वहां पर पहुंचे और खिलाड़ियों से बातचीत की और बताया जा रहा है कि अब जो मेडल है वो नरेश टिकैत को पहलवानों ने सौंप दी है। तो गंगा के घाट पर ये दंगल की तस्वीरें आप देखिए, जहां जो प्रदर्शनकारी पहलवान है वो वहां पर मौजूद नजर आए। और देखिए दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर देखिए उस दौरान की जब गंगा में मेडल को प्रवाहित करने के लिए जो तमाम रेसलर्स थे वहां पर मौजूद नजर आए, उनके साथियों के द्वारा एक ह्यूमन चेन बनाया गया, उसके बीच वहां पर बैठे हुए मौजूद नजर आए। दूसरी तस्वीर देखिए जो नरेश टिकैत थे वो वहां पर पहुंचे, पहलवानों से मिलने के बाद बातचीत की और नरेश टिकैत के मनाने से खिलाड़ी जो है अब मान चुके हैं, हरिद्वार से वापस लौट रहे खिलाड़ी। और उसकी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज स्ट्रीट पर देख रहे हैं। हरिद्वार में जमावड़ा लगा था, जो प्रदर्शनकारी खिलाड़ी है वहां पर पहुंचे थे, मेडल को गंगा में प्रवाहित करने की बात कही गई थी। लेकिन इसी बीच जो नरेश टिकैत है वहां पर पहुंचे, रेसलर्स को मनाने की कोशिश की और अब जानकारी के मुताबिक नरेश टिकैत के मनाने पर रेसलर्स जो है वो मान चुके। नरेश टिकैत ने 5 दिन का समय मांगा है। खेल मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया, कहा गया कि खेल मंत्रालय जो भी आरोप लगाया गया है ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ उसे लेकर लगातार जांच की जा रही है और ये मेडल सिर्फ उनका नहीं, देश का भी मेडल है। और देखिए ये दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां अब जो रेसलर्स हैं वहां से निकल चुके हैं, नरेश टिकैत वहां पर पहुंचे, बातचीत हुई और बातचीत के बाद अब जो है वो रेसलर्स मान चुके हैं और वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए उस दौरान की जब तमाम रेसलर्स मेडल्स लेकर वहां पर बैठे हुए थे, गंगा में प्रवाहित करने की बात कह रहे थे, क्योंकि लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एफआईआर दर्ज की गई लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसके बाद तमाम जो दिग्गज है उनका भी बयान सामने आया और राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया कि ये ऐसा ना करे। तो साक्षी मलिक ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, तमाम तरह की जो बातें हैं वो उठाई। तो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवान कुछ देर हर की पौड़ी में अपने मेडल को बहाने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन अब जानकारी के मुताबिक वहां से वो निकल चुके हैं। और ये देखिए तस्वीरें, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, नरेश टिकैत के बनाने के बाद अब रेसलर्स मानते हुए नजर आ रहे हैं और ये जानकारी, ये तस्वीर भारतीय किसान यूनियन
नरेश टिकैत पहलवानों को रोकने के लिए हर की पौड़ी पर पहुंचे, बातचीत की, 5 दिन का समय मांगा। उन्होंने कहा कि पहलवानों ने पसीना बहाकर मेडल को जीता है, देश का नाम रोशन किया है, इन्हें ऐसे बहाने नहीं दिया जाए, और उन्होंने पहलवानों से 5 दिन का समय मांगा। पूर्ण विचार करें, चाहे वो अपने मेडल्स को गंगा में बहाने की बात हो, चाहे वो आमरण अनशन में बात की बात हो, क्योंकि ये मेडल किसी भाजपा सांसद ब्रिजभूषण की मेहरबानी से नहीं मिले। ये मेडल इन खिलाड़ियों ने अपनी तप, तपस्या, त्याग, बलिदान से ये मेडल हासिल किए हैं। ये मेडल देश के गौरव हैं। इन मेडल्स में इनके अखाड़े की मिट्टी की सुगंध इन मेडल्स में आती है। ये इनके खुशबू अपनी, इनके पसीने की इन मेडल्स में आती है। इनके परिवार, माता पिता के त्याग के प्रतीक ये मेडल हैं, इनकी तपस्या के प्रतीक ये मेडल हैं, देश के गौरव के प्रतीक ये मेडल हैं। इन मेडल्स को ना बहाएं। मैं अपने बेटियों से यही आग्रह करता हूं, और सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, जिस तरीके से सरकार ने अपमान किया हमारी बेटियों का, 7 बेटियों का, ये सरकार ना भूले। इस देश की संस्कृति, ये वो देश है जिसमें एक नारी के अपमान से महाभारत हुआ, ये वो देश है। ये इस सरकार इस देश के देशवासियों के धैर्य की परीक्षा और ना ले। सरकार राजधर्म निभाए, हमारी बेटियों को न्याय दिलवाए, ये आज सरकार को भी मैं चेताना चाहता हूँ। सभी अपने ब्रिजभूषण नजर में ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से प्रयोजित है, किसी के साथ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, उनका कहना ये है। ये वो आरोपी है, वो अपने बचाव में क्या कहते हैं, ये इसका फैसला तो जो जांच करेगा वो बताएगा। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हम इनका साथ दे रहे हैं अपनी देश की बेटियों का, अगर ये उनका आरोप है तो मैं कहना चाहता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, हम अपनी बेटियों का साथ दे रहे हैं, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी बेटियों का साथ देंगे। अरविंद केजरीवाल का कुछ और कहना है भारतीय जनता पार्टी इसमें? देखिए, इसमें ऐसा विचलित करने वाला एक हत्या का मामला सामने आया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि हत्यारे को बख्शा ना जाए, कड़ी से कड़ी कानूनन रूप से जो सबसे ज्यादा सख्त सजा हो सकती है वो सजा मिले। सर, 2024 को लेकर क्या रूट मैप रहने वाला है हमारा? हम 2024 के लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है, और जो कर्नाटक और हिमाचल की जीत जो दर्शाती है कि मुद्दों की राजनीति लोग स्वीकार कर रहे हैं, और भाजपा के घमंड को लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, और जो मूल मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी और विकास से जुड़े मुद्दे, उन पे लोग मोहर लगा रहे हैं। हिमाचल से कर्नाटक तक जनादेश यही इसी तरह संकेत करता है, और ये 2024 में बदलाव का सूचक साबित हो। तो देखिए, आप सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि मेडल ना बहाए ये ब्रजभूषण की कृपा से नहीं मिले हैं, और इस पूरे मामले को लेकर सरकार से भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच किया जाए। और संवाददाता किशोर रावत अधिक अपडेट के साथ जुड़ के सीधा उनका रुख करेंगे। किशोर, देखिए, जानकारी के मुताबिक नरेश टिकैत वहां पर पहुंचे, पहलवानों से बातचीत की, अभी क्या स्थिति, क्या पहलवान वहां से लौट चुके? देखिए, सभी मेडल अपने इन्होंने राष्ट्रीय धरोहर समझकर टिकैत को, जो किसान नेता है, उनको सौंप दिया है, और ये अब आगे दिल्ली की तरफ लेके जाएंगे। और इनका ये कहना है, इन्होंने खास तौर पर मेडल अपना सौंप दिया है, जो क्या आश्वासन दिया गया किशोर, क्या आश्वासन दिया गया जिसके बाद ये मेडल जो है प्रवाहित होने से रुक गया और नरेश टिकैत को सौंपा गया है? देखिए, नरेश टिकैत ने इनसे बातचीत करी है, लंबी बातचीत चली है, करीबन 1.5 से 2 घंटा ये हर की पैड़ी जो घाट है वहीं बैठे रहे, और इनसे बातचीत हुई है, और बातचीत में ही कहा है कि जो ये मेडल एक राष्ट्रीय धरोहर है, और खास बात है कि राष्ट्रीय धरोहर होने के चलते इसको इस तरीके से जाया नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उन खिलाड़ियों की साल भर की नहीं, ये उनकी लंबे समय से तपस्या है, और तपस्या को अगर इस तरह से बहाया जाएगा तो बेहद ही उनके लिए शर्मनाक होगा। यही वजह है कि जो मेडल्स है
खिलाड़ियों ने अपनी बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि हम हमने बात की है तो अब हम इन मेडलों को अपने पास नहीं रखेंगे। तो नरेश चिकैत ने इसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में कहा है कि राष्ट्रीय धरोहर है, ये आपकी तपस्या है, ये आप मुझे ग्राउंड को सौंपा और उसके बाद सारे खिलाड़ी वापस दिल्ली और रवाना हुए। चलिए इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अब हरिद्वार से ये खबर सामने आ रही है कि पहलवान जो है मेडल को नरेश चिकैत को सौंपने के बाद अब वहां से